हवा पुलाव ले लिया था कल्याण से, क्योंकि आप पेंट्री कार में वही लोकल पानी बेच रहे हैं 20 में। इंटरसिटी तुझे पिट की निकल गई यार, नाक कटवा दिया। चलिए ट्रेन के पेंट्री कार चलिए पूरी सब्जी के WFP7 लोकोमोटिव के साथ निकलेंगे रांची, क्योंकि इनको जाना है रांची और ट्रेन भाई स्पेशल नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड थाली, स्टैंडर्ड ऑमलेट, बहुत कुछ है। चपाती मिली है, राइस और साथ में मिला है स्वीट्स। 2-3 ओ भाई साहब, देख रहे इधर, देखिए दोनों गेट पे जाम है, सब यहाँ आके बैठे हुए हैं। रीजन यही है कि ट्रेन हमारी पिछड़ते वक्त हर ऐप गिनाए उसने, सोचता हूँ जब मिला था तो क्या हुनर था मुझ में। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ ऋषि, वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाव इंडिया। फिलहाल मैं हूँ अभी वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन जी हाँ कल्याण जंक्शन के पास। फिलहाल आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20821 पुणे संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस, जो एक वीकली ट्रेन है, हफ्ते में हर सोमवार को खुलती है सुबह 10:40 पे पुणे से और ठीक दूसरे दिन शाम के 6:35 पर पहुँचाती है जी हाँ संतरागाछी। मेरी सीट है 21 मिडिल बर्थ। तो फिलहाल इस ट्रेन में पेंट्री कार है, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है। कसारा है ना, और आपको घाट सेक्शन में दिखाऊंगा। तवा पुलाव ले लिया था कल्याण से, नवेदम है रेस्टोरेंट का नाम, और भीड़ भाई वहाँ पे खाने वालों का इतना भीड़ था ना, वो कहते हैं ना कि भुक्कड़ों की जहाँ होती है भीड़ वहाँ आपकी ऋषि भाई की होती है डील। तो मैंने ये लिया तवा पुलाव, मेरी आँखों के सामने बनाया और पैक हुआ है, इसमें सैलड है, चलिए वो साथ में मिला है प्लेट है ना, और इसमें है क्या बोलते हैं रायता।
अधिकतर दो आदमी खा सकते हैं आराम से। में मटर है, पनीर है, कैप्सिकम है और टेस्ट बढ़िया है। तो फिलहाल ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है कसारा। बड़ा पाव समझ रहे हैं ना, फिलहाल मैं लेने वाला नहीं हूँ, हर बार लेता हूँ खाता हूँ। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले खाया है तवा पुलाव। बाकी पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि यार पैंट्री कार में वही लोकल पानी बेच रहे हैं 20 में। उन लोग से परचेक करने से अच्छा है, अपना बीपी बढ़ाने से अच्छा है कि आप रेलवे स्टेशन से रेल नीर ले लें। अपना नाम की बोलो। मेरा नाम। अपना नाम की बोला। मेरा नाम अत्रिता। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है जी हाँ इगतपुरी। करने जा रही है जी हाँ नासिक रोड और नासिक शहर। आप आ सकते हैं यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर टेंपल के लिए, सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए और जी हाँ पंचवटी जहाँ पे है रामकुंड और सीता माता गुफा। तो फिलहाल हम लोग नासिक रोड को स्किप कर रहे हैं बहुत ही धीमी रफ्तार में। अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं या नहीं, रुकने वाली तेज रफ्तार से निकलने वाली है। तेज रफ्तार कहाँ है भाई, ये तो बैलगाड़ी की रफ्तार से निकल रही है। तो नासिक में है तो अंगूर लेना ना भूलें यहाँ पे। ये काला अंगूर है ना? काला। कैसे पैकेट? ये 20 रुपये। कितना वजन रहता है इसमें? 250 ग्राम। 250 ग्राम 20 रुपये का। तो 20 रुपये का आपको ये पैकेट मिल जाएगा जो अप्रॉक्स बोलते हैं 250 ग्राम है ना। एक मिनट दे रहे पैसे इसको पकड़िए। तो एक बार अंगूर ट्राई करना बनता है यार नासिक से निकल रहे हो तो। तो फिलहाल ट्रेन का यहाँ पे ऑफिशियल होल्ड नहीं था, ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी थी। बाकी यहाँ पे अभी खाने पीने में आपको बहुत कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको बड़ा पाव समोसे मिल जाएंगे। ट्रेन हमारी मनमाड को स्किप करने वाली कि हमारे जो को पैसेंजर हैं जी मंडल सर हैं जो अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं कोलकाता। कोलकाता। और ये स्टेज आर्टिस्ट हैं आप। इनके हाथों में जादू है, जादू यहाँ पे इनके हाथ में है 10 पैसा, जो पुराना 10 पैसे का सिक्का हुआ करता था वो है। देखो ये देख लो, ये देख लो भाई, ये 10 पैसा है, ये देख लो है ना। और अब ये कुछ जादू दिखाने वाले हैं। ये देखो 10 पैसा है, आप लोग देख लो है ना, 10 पैसा है। अब जादू देखो, ओ भाई साहब ये तो 5 पैसा हो गया। ये सामने 2 है, हाँ 2 है, 2 के पीछे 6 है। फिर से एक बार दिखा दो, 2 के पीछे नीचे में 6 है, नीचे 6, 6, हाँ 2, 6, 2, 2 इनके रख देगा। हाँ अब देखो इन्होंने रख दिया, अब 2 के नीचे 6 होना चाहिए बट निकल गया 4। ओह माय गॉड, चेंज हो गया। जी मंडल सर एक जादूगर के साथ एक स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, ये देख लो।
वेज में क्या है? वेज में हेलो दो सब्जी दाल चावल हेलो स्टैंडर्ड खाना लेंगे कि स्पेशल थाली लेंगे? स्पेशल नहीं लेंगे स्टैंडर्ड थाली। हाँ। स्टैंडर्ड थाली में क्या क्या देंगे? एक सब्जी दाल चावल दो रोटी स्वीट दही के जो स्वीट देंगे। रात के 8:56, ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है भुसावल जंक्शन। ट्रेन का यहाँ पे टाइम रात के 7:35 पे अप्रॉक्स। हम लोग 1.5 घंटे की देरी से पहुंच रहे हैं भुसावल। देखो भाई साहब वाह, खाना आ गया भाई साहब। क्या चलती ट्रेन में चढ़ा भाई, मान गए। बाकी आपने डिस्प्ले में टाइम देखा होगा, रात के 9:04 पे हम लोग पहुंचे हैं भुसावल। भुसावल जंक्शन की बात करें, इसका स्टेशन कोड है BSL। 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 315 ट्रेन रोजाना के यहाँ पे रुकती, 13 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 13 टर्मिनेट। जी हाँ, भुसावल जंक्शन से यहाँ से अकोला वाली लाइन से पहुंचेंगे नागपुर, और यहाँ से एक लाइन आपको खंडवा और एक लाइन सूरत के भी निकलती है, इसलिए भुसावल एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट भी बन जाता है। खाने पीने का आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। आपको बड़ा पाव, पुलाव, वेज फ्राइड राइस, ब्रेड ऑमलेट, बहुत कुछ है। अरे भाई कहाँ से हो भाई? उड़ीसा से हैं, और हमारे समस्तीपुर में जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है ना, एग्रीकल्चर से जो है ना यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में जो पूसा के पास है उसपे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है? ट्रेन कैसा है? मस्त है, स्लो चल रहा है, बैलगाड़ी की तरह। परिवार के पुराने मेंबर हैं और कोइंसिडेंस है कि ये मेरे ऊपर वाले बर्थ पे है। वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, कैसे झूठ का बोल रहे हो? वैसे ये है बिहार का, झारखंड पुलिस में जॉब कर रहा है। फिश कड़ी में 2 पीस फिश है और मे भी लगता है ये रेहू है। आलू और सेम का सब्जी है। 2 चपाती मिली है राइस, और साथ में मिला है स्वीट्स, और ये मिला है पिकल। फिश करी गरम है और फिश भी सॉफ्ट है, सब्जी भी बढ़िया है। तो फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल ट्रेन हमारी भुसावल से रवाना हो चुकी है और डिनर भी हो गया है फिनिश। बाकी हमारे एक और को पैसेंजर है ना, नाम बता दे भाई। रवि शंकर जी, ये भी जो मिलवाया था ना इसके पहले झारखंड पुलिस, तो ये भी झारखंड पुलिस से ही है ना। और बाकी अब ट्रेन का जो हॉल्ट है वो सीधा रुकेगी नागपुर, और टाइम हो रहा है 9:33 पे हम लोग निकले हैं भुसावल से। और इस रूट पे इतना बार ट्रैवल किए हैं ना यार, कि क्या ही बोले। चलिए, अगर नागपुर में नींद टूटी तो मिलेंगे नागपुर में, अदरवाइज सुबह जहाँ भी नींद टूटे है ना। तब तक के लिए गुड नाइट भाई, बोल दो सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो और खूबसूरत सा सनराइज हो चुका है, गुड मॉर्निंग। और ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है दुर्ग जंक्शन, और यहाँ पर ट्रेन का टाइम था सुबह 5:03 पे, सुबह के बज रहे हैं 7:05, यानी ट्रेन हमारे अप्रॉक्स 2 घंटे लेट पहुँच रही है दुर्ग। बाकी जो हमारा कुछ का जो ये वॉशरूम है ना, दोनों फ्लश है ना, फ्लश काम नहीं कर रहा ठीक से। कल ठीक हमारे सामने से क्रॉस कर रही है हटिया पुणे एक्सप्रेस।
छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल सिटी जी हाँ दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। बाकी ट्रेन जैसा मैंने बताया, ट्रेन हमारी 2 घंटे लेट से पहुंची है, 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे लेट से पहुंची है दुर्ग जंक्शन। और रेलवे स्टेशन की बात करें, इसका स्टेशन कोड है DURG, 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 126 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है और 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 25 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट। बाकी एक जंक्शन पॉइंट भी है, चल के आगे चल के मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा जो दलहरी रजा की तरफ निकल जाती है, कि ये शहर अपने स्टील प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। जी हाँ दुर्ग हो सकता है हम इसे ओवरटेक भी करें। हम सफर ओवरटेक कर भाई मार गए बाजी है। यह देखो भाई आगे निकल गई क्या यार, संतरागाछी हम सफर इंटरसिटी तुझे पीट के निकल गई यार, नाक कटवा दिया। कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ जी हाँ रायपुर में ट्रेन पहुंची है अप्रॉक्स 3 घंटे लेट, 5:38 पे टाइम था और टाइम देख रहे हैं सुबह 8:52 पे पहुंची है रायपुर। और जहाँ तक रेलवे स्टेशन की बात करें, इसका स्टेशन कोड है R, 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 157 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है और 23 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 23 टर्मिनेट। बाकी एक जंक्शन पॉइंट भी है, आगे जाके आपको एक लाइन दिखाऊंगा जो तितलागढ़ की तरफ निकलती है, इसलिए एक जंक्शन पॉइंट भी है। बाकी यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे दाल पकौड़ा मिल रहा है, ट्रेन के पेंट्री कार्ड से लिया है पूरी सब्जी और बाकी आपको यहाँ ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी, ब्रेड ऑमलेट और वेज कटलेट भी मिल जाएगा। सभी लोग का पेशेंस जवाब दे दिया, सभी गेट पे आ गए हैं, देख रहे हैं इधर देखिए दोनों गेट पे जाम है, सब यहाँ आके बैठे हुए हैं। रीज़न यही है कि ट्रेन हमारी पूरे के पूरे 5 घंटे लेट चल रही है भाई साहब, हम सफ़र है ना, प्रीमियम ट्रेन का ये हाल है, तो नॉर्मल ट्रेन का क्या हाल होता होगा। ये रो मत यार, अरे रो मत कुछ पल में हम लोग होंगे जी हाँ झारसुगड़ा जो उड़ीसा स्टेट में आता है, उत्तरकाशी सेट के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ विशाखापट्टनम अमृतसर एक्सप्रेस। लाइन देख रहे हैं सामने वाली लाइन, वो लाइन निकल चुकी है संबलपुर होते हुए भुवनेश्वर विशाखापट्टनम।
उड़ीसा का फेमस, जी हाँ, इंडस्ट्रियल सिटी, जी हाँ, झारसुगड़ा में आप सभी का स्वागत है। और झारसुगड़ा शहर में आपको बहुत सारे स्टील प्लांट और सीमेंट के प्लांट देखने को मिलेंगे। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें, इसका स्टेशन कोड है JSG, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 113 ट्रेन रोजाना आके रुकती है यहाँ पे, और 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 5 यहाँ से टर्मिनेट, जी हाँ, झारसुगड़ा जंक्शन से। बाकी ये जंक्शन पॉइंट भी है, एक लाइन मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जो निकल जाती है संबलपुर होते हुए विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। हुजूर साहब नांदेड़ संतरागाछी ठीक सामने लगी हुई है, और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, जी हाँ, राहुल किला। सफर यही तक का था, है ना? सफर में मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। बाकी अब ये लोग यहाँ से निकलेंगे रांची, क्योंकि इनको जाना है रांची और ट्रेन हमारी चल रही है 5 घंटे लेट। यहाँ से कौन सा ट्रेन से निकलोगे रांची? हम लोग ये जयनगर एक्सप्रेस से, है ना, जो 5 बजे यहाँ से खुलती है, जो 5 बजे यहाँ से खुलती है। चले भाई लोग कुछ बात कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सर ने फिर अपना निकाला पुटले में से, रिंग वाला है। हाँ, रिंग है, देख लो कहीं कहीं कट लाइन तो नहीं है। कट नहीं है और पूरा ज्वाइंट है। अब ये सर क्या कर रहे हैं, रस्सी को देखिए क्या करेंगे अभी। हाँ, ये मुंह में देना के अंदर जाएगा। अच्छा, ये मुंह ऐसे ही रहेगा। अच्छा अच्छा, दोनों साइड है। हाँ है, साइड में है। भाई साहब साल के अंदर क्या हो रहा है, दोनों साइड है। दोनों साइड निकला हुआ है। हाँ, 1 2 3। ओ भाई साहब, ये देखो यार, उभरते हुए जो अपने बंगाल के जो पीसी सरकार थे ना, जादू टक्कर देने के लिए हमारे भाई साहब। 8 घंटे लेट शालीमार पटना दुरंतो, जो हावड़ा से था, जो शालीमार से था, अप्रॉक्स रात के 10:30 बजे, और वो मिस हो गया। प्लस मैंने उसके बाद टिकट बनाया था साउथ बिहार एक्सप्रेस का टाटा नगर से, वो ट्रेन भी, यानी टोटल अप्रॉक्स 2-4 हज़ार का लॉस। भूल के भी इस ट्रेन में सफ़र मत करना भाई, इतना भी कोई लेट चलता है, 8 घंटे लेट। यहाँ तक पेंट्री का जो खाने पीने का बात करें, खाना पीना सही था, बाकी कोच पुरानी थी, मेंटेनेंस ना के बराबर था, और जो कपलिंग से जो आवाज़ आ रही थी ना, जो झटके आ रहे थे, क्या ही बोले। बाकी मैं तो कहूँगा इस ट्रेन में आप सफ़र नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल मेरा मूड ऑफ है, इसको वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, और जल्दी मिलेंगे किसी फिर नई धमाकेदार जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।